सीख लेना, ठीक है? तो अभी 2 महीने इन सब चीजों को छोड़ दो, ठीक है? तो आज का शुरू करते हैं। मोस्ट कॉमन साइट इन्वॉल्व इन टाइफाइड, कौन सी साइट जो इन्वॉल्व होती है टाइफाइड में? ड्यूटेनम, जेरिनम, इलियम, क्या इन्वॉल्व होता है? इलियम, ठीक है? तो मोस्ट कॉमन साइट इन्वॉल्व इन टाइफाइड इज इलियम, ठीक है? तो आई से याद कर लो, टाइफाइड में आई आता है इलियम, ठीक है? मोस्ट कॉमन साइट ऑफ सेल्यूलिथियासिस, सायोलिथियासिस, ये होता क्या? सेलेबरी ग्लैंड में क्या हो जाता है? स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है ना? तो उसको क्या बोलते हैं? सायोलिथियासिस। लिथियासिस तो सबको सब में समझ में आ रहा है ना? तो यही हमको देखना है कि कहाँ पे होता है मोस्ट कॉमन साइट ऑफ सायोलिथियासिस। सब मैंडिबुलर ग्लैंड में होता है, ठीक है? तो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ सायोलिथियासिस दैट इज स्टोन, तो दैट इज सब मैंडिबुलर ग्लैंड। नर्व इन्वॉल्व इन मेरेलिया पैरास्थेटिक, टिंगलिंग होती है, नमनेस हो जाती है पैर में, इसमें क्या, कौन सी नर्व इन्वॉल्व होती है? लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? तो नर्व इन्वॉल्व इन मेरेल्जिया पैरास्थेटिक दैट इज लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। सागो स्प्लीन, सैगो क्या होता है? साबुदाना होता है ना? तो सैगो स्प्लीन कौन सी बीमारी में मिलती है? स्प्लीन देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे साबुदाने के दाने होते हैं सफेद सफेद, वैसी स्प्लीन दिखेगी उसकी, उसके ऐसे साबुदाने जैसे दाने दिखेंगे, दैट इज एमाइलोडोसिस। एमाइलोडोसिस ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, सैगो स्प्लीन बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। एमाइलोडोसिस, एमाइलोडोसिस में सैगो स्प्लीन मिलता है, ठीक है? मोस्ट मैलिग्नेंट टेस्टिकुलर ट्यूमर, मोस्ट मैलिग्नेंट टेस्टिकुलर, मैलिग्नेंट कोरियोकार्सिनोमा, ठीक है? मोस्ट, ये देखो इसके बाद देखो इसका एक क्वेश्चन हटा दो, इसके नेक्स्ट वाला देखो, देखो टेस्टिकुलर मैलिग्नेंसी मोस्ट कॉमन इन अनडिसेंडेड टेस्टिस, मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी, मैलिग्नेंसी मोस्ट कॉमन इन अनडिसेंडेड टेस्टिस दैट इज सेमिनोमा, ठीक है? तो टेस्टिकुलर मैलिग्नेंसी मोस्ट कॉमन इन अनडिसेंडेड, अगर अनडिसेंडेड टेस्टिस है तो उसमें मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी जो होती है वो सेमिनोमा होती है। मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट टेस्टिकुलर ट्यूमर इज कोरियोकार्सिनोमा, एक बार मैं फिर से कंफर्म कर लूंगा अगर इसमें कुछ इश्यू होगा तो, ठीक है? बट अभी कोरियोकार्सिनोमा रहने देते हैं, ठीक है? बस मैं देख लूंगा, बट मोस्ट कॉमन टेस्टिकुलर ट्यूमर जर्म सेल ट्यूमर, ठीक है? उसके अंदर जो आते हैं। मोस्ट कॉमन पैनक्रियाटिक एंडोक्राइन ट्यूमर, अब देखो इस यहीं से पढ़ लो, एंडोक्राइन ट्यूमर, इंसुलिनोमा, ठीक है? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ गॉल स्टोन, गॉल स्टोन सबसे ज्यादा कौन सा होता है? ये तो सबको पता होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल स्टोन, ठीक है? मोस्ट कॉमन पोस्टीरियर मेडिस्टाइनल ट्यूमर, न्यूरोफाइब्रोमा, ठीक है? टाइप ऑफ रेस्पिरेशन पीएलचेस सबको पता है, ये भी मुझे पता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है।
ये मुझे लगता है कि सबको पता होना चाहिए था किस तरह का पैराडॉक्सिकल ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एपीजीटी में। अब चलो देखते हैं ऊपर से फिर से एक बार। मोस्ट कॉमन साइट इन्वॉल्व इन टाइफॉइड इज ईलियम, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ सायोलिथियासिस दैट इज स्टोन, तो दैट इज सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है, नर्व इन्वॉल्व इन मेरेल्जिया पैरास्थेटिक इज लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, सागो स्प्लीन इज एमाइलोडोसिस, मोस्ट मेलिग्नेंट टेस्टिकुलर ट्यूमर इज कोरियोकार्सिनोमा, मोस्ट कॉमन टेस्टिकुलर ट्यूमर इज जर्म सेल ट्यूमर। जर्म सेल ट्यूमर जो होता है वो मोस्ट कॉमन टेस्टिकुलर ट्यूमर है। अगर टेस्टिकुलर मेलिग्नेंसी मोस्ट कॉमन इन अनडिसेंडेड टेस्टिस, अगर अनडिसेंडेड है तो सेमिनोमा। ठीक है, मोस्ट कॉमन पेनक्रियाटिक एंडोक्राइन ट्यूमर, ठीक है, दैट इज इंसुलिनोमा, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ गॉल स्टोन। इसमें तो है ना वो फैटी होना चाहिए, है ना, ये सब चीजें लिखी हैं, तीन क्राइटेरिया थे उसमें, कोलेस्ट्रॉल स्टोन। उसके बाद देखो मोस्ट कॉमन फीमेल था, फैटी था, और क्या था एक और, फोर्टी फीमेल फोर्टी ओके। मोस्ट कॉमन फोर्टी पोस्टीरियर, मोस्ट कॉमन पोस्टीरियर मेरिस्टेनल ट्यूमर इज न्यूरोफाइब्रोमा। ठीक है, और टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है फियाल चेस्ट इज पैराडॉक्सिकल, आर ग्लास डिफॉर्मिटी ऑफ स्टमक सीन इन, आर ग्लास डिफॉर्मिटी ऑफ स्टमक लियोमा। देखो ठीक है, उसके बाद मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हर्निया टू स्ट्रेंगुलेट, कौन सा ऐसा हर्निया है जो स्ट्रेंगुलेट कर जाता है ज्यादा, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हर्निया टू फीमोरल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद होना चाहिए था सबको, फीमोरल हर्निया, फीमोरल हर्निया मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हर्निया टू स्ट्रेंगुलेट इज फीमोरल हर्निया। फीमोरल हर्निया किस में ज्यादा पाया जाता है, मेल में ज्यादा पाया जाता है कि फीमेल में मेल ज्यादा पाया जाता है? मेल फीमेल में, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि फीमेल में कौन सा ज्यादा पाया जाएगा, दैट इज फीमेल में फीमोरल ज्यादा पाया जाएगा। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मिकल्स डायवर्टिकुलम इन एडल्ट, मिकल्स डायवर्टिकुलम, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मिकल्स डायवर्टिकुलम इन एडल्ट, रिगार्डिंग इंटेस्टाइनल, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, मोस्ट कॉमन लेट कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रोमेटिक रप्चर ऑफ यूरेथ्राइज। देखो पहली चीज तो ये देखना कि मोस्ट कॉमन लेट कॉम्प्लिकेशन पूछा गया है, कुछ आंसर हमको ऐसे ही मिल जाएंगे कि हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, हम कॉमन सेंस लगाएंगे तो हमको मिल जाएंगे। तो पहली चीज तो मोस्ट कॉमन लेट कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रोमेटिक रप्चर ऑफ यूरेथ्रा इज स्ट्रिक्चर, कि भाई कहीं ट्रॉमा हुआ उसकी वजह से यूरेथ्रा में दिक्कत हो गया, रप्चर हो गया, उसके बाद लेट कॉम्प्लिकेशन, तो स्ट्रक्चर बन जाएगा, है ना, दैट इज स्ट्रक्चर। प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा मेटास्टाइज मोस्ट फ्रीक्वेंटली टू, प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा कहाँ ज्यादा मोस्ट कॉमनली मेटास्टाइज करता बोन्स में लंबर वाटी है, इसमें पेल्विस दिया हुआ था, इसको चेक कर लेना। ठीक है, जैसे लंबर वर्टिब्री है तो वो मान सकते हैं क्योंकि पेल्विस का पार्ट होगा, बट इसको एक बार चेक कर लेना, जो ऑप्शन दिए थे उसमें पेल्विस दिया था, तो हो सकता है जिस ऑप्शन के हिसाब से उसमें ये भी हो सकता है। ठीक है, तो पेल्विस अभी देख लेना। मोस्ट ट्यूमर मार्कर एसोसिएटेड विद सीए प्रोस्टेट, बहुत बार पूछा गया। एसिड फॉस्फेटेस और मेन तो बताया नहीं, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन स्पेसिफिक, हाँ स्पेसिफिक एंटीजन, एंड सेकेंड वन इज एसिड फॉस्फेटेस, सेकेंड वन इज एसिड फॉस्फेटेस। ठीक है, मर्सिडीज बेंज साइन, अब देखो पहली चीज तो मर्सिडीज बेंज, सबको पता है मर्सिडीज गाड़ी आती है, देखो ये दिख रहा है मर्सिडीज, ऐसे ही साइन होता है मर्सिडीज का, ये कहाँ मिलता है, सीगल साइन,
Mercedes-Benz sign, yeah, seagull sign is seen in photosynthesis. ये मिलता है गॉलस्टोन में, ठीक है, एयर इन गॉलस्टोन. जैसे ये ऐसा मिल रहा है ना, तो ये जो फिशर्स बन जाते हैं इन्हीं के थ्रू क्या होता है कि स्टोन्स में एयर भर जाती है. तो जब आप देखोगे उसको इमेजिंग पे तो इस तरह का लाइन दिखेगा. तो गॉल स्टोन में एयर जब चली जाती है तो इस तरह का साइन बनता है. तो मर्सिडीज बेंज साइन या सीगल साइन कहाँ मिलता है? गॉल स्टोन में, ठीक है. तो नॉर्मल सा गॉल स्टोन भी पूछ सकता है या ऐसे भी आ जाएगा एयर इन गॉल स्टोन करके भी आ सकता है. पुअरेस्ट प्रोग्नोसिस इन लंग कैंसर इज एसोसिएटेड विद, किस लंग कैंसर में पुअरेस्ट? स्मॉल सेल. स्मॉल सेल, स्मॉल सेल, ठीक है. स्मॉल सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए. पुअरेस्ट प्रोग्नोसिस होती है इसकी. रोल्ड आउट पर्ली व्हाइट एज ऑफ अल्सर इज सीन इन, रोल्ड आउट पर्ली व्हाइट एज ऑफ अल्सर इज सीन इन रोडेंटल्सर इंपॉर्टेंट है, ठीक है. एपिड्यूरल हेमाटोमा इज ड्यू टू रप्चर ऑफ, पहली चीज तो ठीक है, सही एकदम. MMA ऐसे ही याद होना चाहिए आप लोग को, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, ठीक है. तो एपिड्यूरल हेमाटोमा किसकी वजह से होता है? रप्चर होता है मिडिल मेनिंजियल आर्टरी. कॉज ऑफ सब ड्यूरल हेमाटोमा, सब ड्यूरल हेमाटोमा ब्रिजिंग वेन, टॉर्न एंड ब्रिजिंग वेन, टॉर्न ब्रिजिंग वेन. नहीं याद है तो एज इट इज इनको रट लो, कुछ नहीं समझने की जरूरत है. कहां से आया, क्या आया, अब 2 महीना बचा है, हमको कुछ मतलब नहीं है कि इनका मतलब क्या होता है. बस आपको आंख बंद करके इसको रट लेना है, ठीक है. कोई नहीं पूछने आ रहा है कि क्या इसका रीजन है, क्या है, कहाँ है, नहीं याद हो रहा है, बस इसको रटने की कोशिश करो. किसी तरीके के निमोनिक बनाओ, किसी तरीके से भी अपने बैचमेट के नाम से याद करो, किसी घर वाले के नाम से याद करो, किसी के नाम से याद करो, बट इनको याद कर लो एज इट इज. मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया इन्फेक्शन इन बर्न वुंड, बर्न वुंड में स्टेफ, ओके. दिया है कहीं कहीं, तो ये एक बार चेक कर लेना, मैं भी एक बार क्रॉस चेक कर लूंगा, ठीक है. दो क्वेश्चन हम लोग को मिले हैं, दोनों मुझे मार्क करके भेज देना, ठीक है. तो एक तो ये मिल गया, और दूसरा कौन सा मिला था हम लोग को, ये है ना, प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा ना, पेल्विस वाला. दो क्वेश्चन मिले हैं, ठीक है. क्लेफ्ट लिप ऑपरेशन इज डन एट, कितने मंथ पे इसको करा देना रहता है? क्लेफ्ट लिप ऑपरेशन बच्चों में क्लेफ्ट लिप नहीं मिलता है, 3 से 6 मंथ में, ठीक है. आइडियली इतने पे करा देना चाहिए. मोस्ट कॉमन साइट ऑफ बेसल सेल कार्सिनोमा ऑफ फेस, चीक्स, इनर कैंथस ऑफ आई, इनर कैंथस ऑफ आई इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ बेसल सेल कार्सिनोमा ऑफ फेस, ठीक है. मोस्ट कॉमन रूट ऑफ स्प्रेड ऑफ मेलानोमा, लिम्फैटिक, ठीक है. मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ब्रेस्ट कार्सिनोमा, ये तो सबको पता होगा, आउटर अपर क्वाड्रेंट, आउटर ठीक है, अपर आउटर क्वाड्रेंट, ठीक है. तो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ब्रेस्ट कार्सिनोमा. इडियोपैथिक गैंग्रीन ऑफ स्क्रॉटम, मुझे लगता है जिसने भी क्वेश्चन लगाए होंगे पहला क्वेश्चन यही उसने लगा लिया होगा. इडियोपैथिक गैंग्रीन ऑफ स्क्रॉटम मोस्टली बाय द, हाँ ठीक है. गैंग्रीन
तो इडियोपैथिक गैंग्रीन ऑफ स्क्रॉटम मोस्टली बाय द हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई इज नोन एज फॉरनर गैंग्रीन. ठीक है, मोस्ट कॉमन मीडियास्टाइनल ट्यूमर, ये सबको पता होगा. थायमोमा, थायमोमा बहुत बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा. ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, थायमोमा वाला बहुत बार पूछा गया है ये बेटा, रिपीटेड क्वेश्चन है. ठीक है, दोनों रिपीटेड क्वेश्चन है ये. मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हाइपोस्पैडियासिस, ये बहुत बार पूछा गया है, ये भी बहुत बार पूछा गया है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है. ठीक है, ग्लैंडुलर. मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इन चिल्ड्रेन लेस देन टू ईयर, इंट्रोसेप्शन. इंट्रोसेप्शन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी. ठीक है, तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन अगर बच्चों में हो रहा है, कितने, 2 साल से कम के बच्चों में, तो इंट्रोसेप्शन होगा. ठीक है, इन हीमोलिटिक पेनक्रेटाइटिस ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ फ्लैंक इज नोन एज हीमोलॉजिक पेनक्रेटाइटिस. कौन सा साइन? टर्नर साइन. हाँ, टर्नर साइन में पूरा नाम क्या है? ग्रे टर्नर साइन. ग्रे टर्नर. एक और मिलता है, कूलन साइन मिलता है ना, अलाउंड एम्ब्लाइकस. कूलन साइन, उसमें क्या मिलता है? पेरी एम्ब्लाइकस ब्लू डिस्कलरेशन. ब्लू डिस्कलरेशन. ठीक है, तो पहले तो हेमरेजिक पैंकेटाइटिस में क्या मिलेगा? ब्लू डिस्कलरेशन. अगर फ्लैंक के पास हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ग्रे टर्नर साइन. और अगर क्या हो जाएगा? पेरी एम्ब्लाइक. अगर अम्ब्लाइकल के अम्ब्लाइकस के अराउंड अगर ब्लू डिस्कलरेशन तुमको मिल रहा है तो क्या हो जाएगा? कूलन साइन हो जाएगा. ठीक है, मोस्ट कॉमन बेनाइन ट्यूमर ऑफ लिवर. हेमेंजियोमा. और इसमें एक और चीज बेटा याद कर लेना, पैंकेटाइटिस में रेंसन्स क्राइटेरिया याद कर लेना. याद है? याद है किसी को? टीपी में दिया है बेटा, जितना टीपी में दिया है कम से कम टीपी वाली चीजें बिल्कुल मत छोड़ो. अभी नहीं याद है, कभी जिंदगी में पढ़ा हो, बट पढ़ा होना चाहिए. रेंसन क्राइटेरिया प्लीज एक बार याद कर लेना आप लोग. ठीक है, तो मोस्ट कॉमन बेनाइन ट्यूमर ऑफ लिवर इज हेमेंजियोमा. मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ हर्निया इन मेल एंड फीमेल, अभी हम लोगों ने पूछा था फीमेल वाला ऊपर पूछा था, तो ये पूछा गया मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ हर्निया इन मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल दोनों में मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट, एकदम सही, इनडायरेक्ट इंग्विनल हर्निया. ठीक है, और फीमेल में फीमोरल. बट ये भी याद रखना कि फीमेल में फीमोरल तो होता है बट मेल के कंपैरिजन, मगर अगर ज्यादा सबसे ज्यादा पूछा जाएगा तो रहेगा यही आंसर, इनडायरेक्ट इंग्विनल हर्निया. अंतर समझ में आ रहा है? मेल और फीमेल के कंपैरिजन में अगर पूछा जाएगा कि फीमोरल हर्निया किसमें ज्यादा होता है तो फीमेल में ज्यादा होता है. ओवरऑल पूछा जाएगा कि कौन सा हर्निया होता है मेल या फीमेल में, तो इनडायरेक्ट इंग्विनल हर्निया है. ठीक है, रेड करंट जेली स्टूल इज सीन इन एंडोसेप्शन. इंपॉर्टेंट है, रेड करंट जेली स्टूल दैट इज एंडोसेप्शन. एंडोसेप्शन क्या होता है? छोटी पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन जो होता है, क्या होता है उसी में क्या हो जाता है, इन्वेट कर जाता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो एक पार्ट दूसरे पार्ट के अंदर चला जाता है, तो दैट इज इंटरसेप्शन. ठीक है, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कोलन कैंसर. सिग्मोइड कोलन. सिग्मोइड. इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कोलॉन कैंसर इज सिग्मॉइड कोलन.
earliest complication of rectal carcinoma. Earliest complication of rectal carcinoma is common sense लगाओ क्या हो सकता है? Bleeding. Earliest complication of rectal carcinoma is bleeding. Fluid of choice for burn patient fluid of choice. Ringer lactate. ठीक है. Most common site of branchial cyst. Branchial cyst की most common site कौन सी है? रफ रफ बता दूं, नेक में होती है मगर नेक पूछा नहीं जाएगा. अपर 1/3 ऑफ स्टर्नो क्लीडो मैस्टॉइड. ठीक है, तो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ब्रैंकियल सिस्ट जो होगी तो नेक नहीं दिया रहेगा, मोस्ट प्रोबली ये आंसर दिया होगा अपर 1/3 ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड या केवल स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड. ठीक है, तो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ रोडेंट अल्सर फेस. ठीक है, ऑफ फेस में भी कहा अब द लाइन ऑफ कॉर्नर ऑफ द माउथ और लोब ऑफ ईयर के बीच में. ठीक है, मोस्ट कॉमन प्री मेलिग्नेंट कंडीशन ऑफ ओरल कैविटी कार्सिनोमा इज प्री मेलिग्नेंट कंडीशन. सबको पता होगा मोस्ट कॉमन ल्यूकोप्लेकिया. ये क्या है? मोस्ट कॉमन प्री मेलिग्नेंट कंडीशन है ऑफ ओरल कैविटी कार्सिनोमा इज ल्यूकोप्लेकिया. क्या है साइन? ये कहाँ मिलता है? स्प्लीनिक इंजरी में. और होता क्या है? पेन जो होता है कहाँ में होता है? पेन ठीक है, तो स्प्लीन की इंजरी में केयर साइन मिलता है. मेन चक्कर ये है, आपको देख लेना है स्प्लीन है और स्प्लीन है तो लेफ्ट शोल्डर में हो जाएगा. तो रिफर्ड पेन कहाँ हो जाएगा? लेफ्ट शोल्डर में. किसकी वजह से हो जाएगा? स्प्लीनिक इंजरी की वजह से. उसको क्या बोलते हैं? केयर साइन बोलते हैं. मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इन लार्ज लिम्फ नोड और इन हॉजकिन लिम्फोमा. हॉजकिन लिम्फोमा में मोस्ट कॉमन साइट इन लार्ज लिम्फ नोड की क्या होती है? सर्वाइकल लिम्फ नोड जो होती हैं वो इनलार्ज हो जाती हैं. तो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इनलार्ज लिम्फ नोड इन हॉजकिन लिम्फोमा इज सर्वाइकल लिम्फ नोड. ठीक है, वेरिकोज वेन आर मोस्ट कॉमन सीन इन. वेरिकोज वेन कहाँ आप सबसे ज्यादा मिलती हैं? लॉन्ग सेफनस वेन. लॉन्ग सेफनस वेन. हेलर्स ऑपरेशन मुझे लगता है सारे लोग को पता होगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया हो क्वेश्चन है. हेलर्स ऑपरेशन इज डन फॉर नहीं पढ़ा एक्लेशिया. ईसोफेजियल मोर्टेलिटी डिसऑर्डर इज असेस बाय 24 आवर पीएच. ईसोफेजियल मोर्टेलिटी मैं बताऊंगा तो याद आ जाएगा. मैनोमेट्री था बैरियम सोलो बैरियम ना मैनोमेट्री. ठीक है, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इट्रोजेनिक ईसोफेजियल परफोरेशन. Kalian's triangle. ठीक है, तो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इट्रोजेनिक ईसोफेजियल परफोरेशन इज Kalian's triangle. पेन ऑफ एक्सटर्नल हिमोरॉइड इज मीडिएटेड बाय. बहुत बार पूछा गया है, नॉर्मली सबको पता होना चाहिए. पी से आंसर है
प्यूडेंडल नर्व, ठीक है। तो एक्सटर्नल हिमराइड में जो पेन होता है वो किससे होता है, किसके थ्रू होता है, पुडेंडल नर्व, दैट इज पुडेंडल नर्व, मोस्ट कॉमन ट्यूमर मेटास्टाइजिंग टू ब्रेन, लंग, ठीक है। मोस्ट कॉमन ट्यूमर मेटास्टाइजिंग टू ब्रेन इज लंग। मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ डक्ट पैपिलोमा ऑफ ब्रेस्ट, ये भी सबको पता होगा मुझे लगता है। ब्लडी निप्पल डिस्चार्ज, ब्लडी निप्पल डिस्चार्ज, मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन डक्ट पैपिलोमा ऑफ ब्रेस्ट, इसमें क्या होता है, ब्लडी डिस्चार्ज होता है, निप्पल्स से ब्लडी डिस्चार्ज होता है। कॉन्ट्रालेटरल ब्रेस्ट मेटास्टेसिस इज मोस्ट कॉमन इन ब्रेस्ट कार्सिनोमा, कौन सा टाइप का होता है, लोबुलर टाइप, ये इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रालेटरल होता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर मेटास्टेसिस, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर मेटास्टेसिस, सबसे ज्यादा कहाँ मेटास्टाइज करता है ब्रेस्ट कैंसर, लंग्स, नहीं, बोन। अब बोन में कहाँ की बोन, या तो वर्टिब्री आ सकता है ऑप्शन में, या अगर स्पेसिफिक आएगा तो लंबर वर्टिब्री, ठीक है। तो पहले तो ये याद करना है, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर मेटास्टेसिस इज बोन, और बोन में भी कहाँ, वर्टिब्री में, और वर्टिब्री में भी कौन सी, लंबर वर्टिब्री। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेलुलाइटिस, स्ट्रेप्टोकोकस, मेरिजीज सिंड्रोम इन गॉल ब्लैडर स्टोन, कंप्रेसिंग, क्या कंप्रेस करता है, नाम सुना है, मेरिजी सिंड्रोम में क्या होता है, गॉल ब्लैडर स्टोन किस चीज को कंप्रेस करता है, कॉमन बाइल डक्ट या कॉमन हेपेटिक डक्ट, इंपॉर्टेंट है बेटा ये, ठीक है। तो मेरिजी सिंड्रोम में क्या होता है, गॉल ब्लैडर स्टोन जो होता है वो किसको कंप्रेस करता है, कॉमन बाइल डक्ट को या कॉमन हेपेटिक डक्ट को कंप्रेस करता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जॉइंडिस होता है। बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर रीनल कैलकुलाय, बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर रीनल कैलकुलाय, नॉन कंट्रास्ट सीटी, ठीक है, बेस्ट इन्वेस्टिगेशन होती है। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस पूछा जाएगा रीनल स्टोन के लिए, तो प्लेन एक्सरे, KUB। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर यूरेट्रिक स्टोन पूछा जाएगा तो NCCP, ठीक है। अच्छा, बच्चों में पूछा जाएगा, अगर चिल्ड्रन में रीनल कैलकुली है अगर, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस चिल्ड्रन, USG कराएंगे, ठीक है, वही KUB की, ठीक है। अच्छा, रेडियो लूसेंट रीनल स्टोन, लूसेंट, ठीक है, यूरिक एसिड, ठीक है, यूरिक एसिड स्टोन, ये क्या होता है, रेडियो लूसेंट होता है, ठीक है, रेडियो लूसेंट होता है, ठीक है।
ये किसमें नहीं मिलेगा, एक्सरे एक्सरे में नहीं मिलेगा, ठीक है, एक्सरे में नहीं मिलेगा, ठीक है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ग्लोमस ट्यूमर, ग्लोमस ट्यूमर का मोस्ट कॉमन साइट क्या है, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ग्लोमस ट्यूमर क्या है, फिंगर टिप्स, फिंगर टिप्स, इनके सबके पिक्स देख लेना। मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया, मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया कौन सा, बेटा ये तो बता ही दो, ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, ओरल कैविटी, ठीक है, ओरल कैविटी में एक तो पहली चीज तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया इज सीए ओरल कैविटी, ठीक है। अगर ये पूछा जाएगा कि ओरल कैविटी कैंसर, अगर माउथ कैंसर हो रहा है तो उसकी मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है, मोस्ट कॉमन साइट, बक्कल म्यूकोसा, बक्कल म्यूकोसा, ठीक है। मोस्ट कॉमन डेवलपमेंटल एनोमली ऑफ फेस, अभी ऊपर क्वेश्चन आया था, क्लेफ्ट लिप, ठीक है। स्पाइडर लेग अपीयरेंस ऑन इंट्रावीनियस पाइलोग्राफी सजेस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पॉलीसिस्टिक किडनी, इंपॉर्टेंट है। स्पाइडर लेग अपीयरेंस किसमें मिलता है, इंट्रावीनियस में, किसमें, किस डिजीज में, पॉलीसिस्टिक किडनी में। सोर्स ऑफ ब्लीडिंग इन ड्यूडनल अल्सर, सोर्स ऑफ ब्लीडिंग इन ड्यूडनल अल्सर, गैस्ट्रो ड्यूडनल आर्टरी, ये बेटा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा गया है। सोर्स ऑफ ब्लीडिंग इन ड्यूडनल अल्सर इज गैस्ट्रो ड्यूडनल आर्टरी। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट पैनक्रेटाइटिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है और बहुत सरल क्वेश्चन है। एक्यूट पैनक्रेटाइटिस किसकी वजह से होता है, मोस्ट कॉमन कॉज क्या है एक्यूट पैनक्रेटाइटिस का, ये तो मुझे लगता है बेटा सबको आना चाहिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, गॉल स्टोन, गॉल स्टोन। अच्छा सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, एल्कोहल, एल्कोहल, और एल्कोहल ही क्या है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रोनिक, क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस, ठीक है। तो पहली चीज तो एक्यूट का जो मेन मोस्ट कॉमन कॉज आ जाएगा तो वो गॉलस्टोन हो जाएगा, और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वो आ जाएगा कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस तो एल्कोहल आ जाएगा, ठीक है। मोस्ट कॉमन रप्चर्ड ऑर्गन इन ब्लंट इंजरी टू एब्डोमेन, ये भी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है क्वेश्चन, स्प्लीन बहुत बार पूछा गया है, मोस्टली बच्चों को आता है और बट ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कम्युनिकेटिंग ट्रैक बिटवीन टू एपिथेलियल सर्फेसेस नोन एज, बार बार पूछा गया बेटा, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, कम्युनिकेटिंग ट्रैक, देखो कम्युनिकेटिंग ट्रैक बिटवीन टू एपिथेलियल सर्फेस, दो सर्फेस के बीच में अगर कोई ट्रैक बन जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, फिस्टुला बोलेंगे, फिस्टुला बोलेंगे, ठीक है। तो इसको कुछ बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, कॉमन सेंस भी लगा लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, दैट इज फिस्टुला, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अपर जी आई ब्लीडिंग, बहुत आसान है, कॉमन सेंस लगाओगे तो समझ में आ जाएगा, अपर जी आई ब्लीडिंग का मोस्ट कॉमन कॉज गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिकल्स, पेप्टिकल्स डिजीज, ठीक है। तो अगर नहीं याद हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना इशू है, बट ये है कि सुना होना चाहिए, क्वेश्चन सुना होना चाहिए, आंसर नहीं पता है तो हम याद कर लेंगे बाद में, ठीक है। लिनाइटिस प्लास्टिका, लिनाइटिस प्लास्टिका इज अ टाइप ऑफ स्टमक कैंसर,
स्टमक कैंसर का एक टाइप है, रेयर है, ठीक है, बट इस नाम से पूछा जा सकता है कि ये क्या है, कहाँ का कैंसर है, स्टमक का कैंसर है, ठीक है। कॉर्क स्क्रू इसोफेगस इज सीन इन, ये तो बेटा सबको पता होगा, डिफ्यूज डीएस, डीएस दैट इज डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज्म, कॉर्क स्क्रू इसोफेगस बार बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। सिस्टिक स्वेलिंग इन द फ्लोर ऑफ द माउथ, ये भी मुझे लगता है सबने सुना होगा, सिस्टिक स्वेलिंग इन द फ्लोर ऑफ द माउथ दैट रिजेंबल अ फ्रॉग बेली, आर से आंसर है रेनुला, है ना, पांच नंबर का क्वेश्चन आता था हम लोग के यहाँ, ठीक है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर का मोस्ट कॉमन साइट क्या है, लेसर अलोंग इंसिस्यूरा एंगुलेरिस, ठीक है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कार्सिनोमा स्टमक, कार्सिनोमा स्टमक का एंट्रम, ठीक है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कार्सिनोमा स्टमक इज एंट्रम, डेथ इन बर्न, अगर किसी की बर्न से डेथ हो जाती है तो अर्ली कॉज क्या है, अगर जैसे बर्न अभी हुआ तुरंत डेथ हो गई तो अर्ली कॉज क्या होता है, कॉमन सेंस लगाओगे तो समझ में आएगा, शॉक, शॉक से डेथ हो जाती है, और लेट कॉज क्या हो सकता है, सेप्सिस, एकदम सही, ठीक है। तो ये दोनों देखो कॉमन सेंस निकल आएंगे हमारे, हमें बहुत अकल नहीं लगानी। मोस्ट कॉमन वेन टू गेट थ्रोम्बोस्ड, पोस्टीरियर टीबियल, पोस्टीरियर टीबियल वेन जो होती है मोस्ट कॉमन वेन टू गेट थ्रोम्बोस्ड, परसेंटेज ऑफ बर्न इन चिल्ड्रन, अच्छा एडल्ट में किससे निकालते हैं परसेंटेज ऑफ बर्न, कौन सा रूल ऑफ नाइन, रूल ऑफ नाइन किसने दिया था, वैलेस, वैलेस है ना, बाकी सबको परसेंटेज उसके पता होंगे, ठीक है, बट यहाँ ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, परसेंटेज ऑफ बर्न इन चिल्ड्रन पूछा गया है, इज बेस्ट असेस्ड बाय लंडमैन रूल, हाँ लंड एंड ब्राउडर, ठीक है। इन्होंने किसका दिया था, बर्न इन चिल्ड्रन का, परसेंटेज ऑफ बर्न इन चिल्ड्रन दिया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन्फेक्शन ऑफ सब मैंडिबुलर स्पेसेस इज नोन एज, इन्फेक्शन ऑफ सब मैंडिबुलर स्पेसेस इज नोन एज, सुना लुडविग्स एंजाइना, ठीक है। मोस्ट मैकबर्नीज पॉइंट लाइज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, पहले तो दो चीज पता होनी चाहिए कि कहां से कहां आप नापते हैं, तो पहला तो एक अम्बिलिकस होता है, दूसरा क्या होता है, तो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, और दूसरा क्या होता है, अम्बिलिकस, है ना। अब ये क्वेश्चन तो पूछा नहीं आता, अब ये पूछा जाता है क्या, मीडियल कितना होता है और लेटरल कितना होता है, मीडियल कितना होता है, वन थर्ड, मीडियल टू थर्ड, टू थर्ड, लेटरल कितना होता है, लेटरल वन थर्ड होता है, है ना। तो हमको ऐसे ही देखो डायग्राम भी बना देंगे तब भी हमको समझ में आ जाएगा, है ना। तो नॉर्मल सी चीज है, जहाँ अपेंडिक्स होगा उस हिसाब से आप अपना लेटरल वन थर्ड देख लो, लेटरल वन थर्ड और मीडियल टू थर्ड, है ना, ऐसे ही आपको नाप लेना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर इज, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर, अगर
फ्रैक्चर हो गई है, इंटर कैप्सुलर फ्रैक्चर है, तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? नॉन यूनियन, नॉन यूनियन, ठीक है, नॉन यूनियन मोस्ट क्या है? सीएसएफ राइनोरिया इज यूजली ड्यू टू द फ्रैक्चर ऑफ, ये बेटा बार बार पूछा गया क्वेश्चन, सीएसएफ राइनोरिया इज यूजली ड्यू टू द फ्रैक्चर ऑफ, ठीक है, क्रिबिफॉर्म प्लेट, ऐसा होता है ना, मेरी डायग्राम नहीं सही है, ये जो ये बोन होती है, कौन इथेमाइड बोन होती है, आवाज आ रही है ना, तो ये जो बोन होती है ना क्रिबिफॉर्म प्लेट, इसी के फ्रैक्चर की वजह से होता है, ठीक है। 45 ईयर ओल्ड फीमेल प्रेजेंट विद अ हार्ड एंड मोबाइल लंप इन अ ब्रेस्ट, नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन इज, अगर 45 साल की कोई वुमेन आपके पास आएगी क्या लेके, हार्ड एंड मोबाइल लंप ब्रेस्ट में, तो आप क्या करोगे? नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन इज, मैमोग्राफी करा देंगे, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में ब्रेस्ट कैंसर है तो उस 35 हुए के एज के बाद उसमें क्या, कौन सी डायग्नोसिस करानी है हमको, उसमें भी मैमोग्राफी होती है ना, कि हम बार बार उसकी बीच बीच में मैमोग्राफी करा के चेक करते रहेंगे, ठीक है, कि कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। सिक्वेस्ट्रम इज डेड बोन, बेटा ये पूछा गया है, डेड बोन को सिक्वेस्ट्रम बोलते हैं, ऐसे ही बस रट लो उसको, ठीक है। मोस्ट कॉमन पोजीशन ऑफ अपेंडिक्स इज, सबको पता होगा, रेट्रोसीकल। बर्ड बीक अपीयरेंस, सबको पता होगा, एक्लेशिया कार्डिया, ठीक है। तो जो सबको क्वेश्चन पता है वो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं गलत होने चाहिए, जो सबको नहीं पता है वो एक बार गलत कर दोगे तो कुछ इशू नहीं आएगा, हो सकता है कि भाई बाकी लोग के भी गलत हो जाएं, मगर बर्ड बीक अपीयरेंस जितने भी एग्जाम में बैठे बच्चे हैं उनके सबके सही होने हैं, तो ये क्वेश्चन किसी का नहीं गलत होना चाहिए कि अक्लेशिया कार्डिया कोई गलत करके चलाया, कोई मोस्ट कॉमन पोजिशन ऑफ अपेंडिक्स गलत करके चलाया, तो कुछ भी गलत कर देना मगर जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो कोई गलत नहीं करना, ठीक है। आते हैं थंब प्रिंट साइन किसमें, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है, ये भी बार बार पूछा गया है, इस्चिमिक कोलाइटिस, थंबप्रिंट साइन कहाँ मिलता है, इस्चिमिक कोलाइटिस में मिलता है, ठीक है। रेड टेल अपीयरेंस, बार बार पूछा गया क्वेश्चन, बर्ड बीक बता दिया, रेड टेल नहीं बता पा रहे हो आप लोग। फ्लावर वेस अपीयरेंस ऑफ यूरेटर, फ्लावर वेस अपीयरेंस ऑफ यूरेटर, हॉर्स शू किडनी, ठीक है। मोस्ट कॉमन सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर इन अडल्ट, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, आईपीडी करते होगे तो लाइपोमा, हाँ आईपीडी भी करते होगे, ओपीडी भी करते होगे तो भी पता होगा, इसमें बहुत नॉलेज की जरूरत नहीं है। मोस्ट कॉमन सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर इन एडल्ट इज लाइपोमा, ठीक है। टेस्टिकुलर ट्यूमर विद बेस्ट प्रोग्नोसिस, योक सैक ट्यूमर, योक सैक ट्यूमर, ठीक है। वर्स्ट प्रोग्नोसिस, टेस्टिकुलर ट्यूमर विद वर्स्ट प्रोग्नोसिस, इसका नाम भी खतरनाक है, हरिकेन ट्यूमर, ठीक है, टाइप ऑफ
कोरियोकार्सिनोमा। ठीक है, तो आज का तो खत्म हो गया जितना था, एक बार इसको रिवाइज करेंगे। बट एक बात की मैं बता रहा हूँ कि इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कभी पूछा ना गया हो या रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, एक भी सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा मत करना कि टफ लग रहा हो तो छोड़ दिया या ईजी लग रहा है तो छोड़ दिया, आपको सारा रिवाइज करना है। ठीक है, अब अपना नोट्स खोलते रहो और देखते जाओ, बोलते रहना, माइक बंद कर दो, बोलते रहो। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ टाइफाइड, मोस्ट कॉमन साइट इन्वॉल्वमेंट टाइफाइड इज इलियम। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ साइलोलिथियासिस दैट इज स्टोन, उसमें क्या होता है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है, नर्व इन्वॉल्व इन मायरेल्जिया पैरास्थेटिक इज लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। ठीक है, सैगोस्प्लीन सीन इन एमाइलोडोसिस। मोस्ट मेलिग्नेंट ट्यूमर टेस्टिकुलर ट्यूमर इज कोरियोकार्सिनोमा। मोस्ट कॉमन टेस्टिकुलर ट्यूमर इज जर्म सेल ट्यूमर। ठीक है, मेलिग्नेंट टेस्टिकुलर मैलिग्नेंसी मोस्ट कॉमन अनडिसेंडेंट टेस्टिस में अगर पूछा जाएगा तो सेमिनोमा आ जाएगा। मोस्ट कॉमन पैनक्रियाटिक एंडोक्राइन ट्यूमर इंसुलिनोमा। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ गॉल स्टोन कोलेस्ट्रॉल स्टोन होता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन पोस्टीरियर मीडियास्टाइनल ट्यूमर इज न्यूरोफाइब्रोमा। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन पियाल्चेस पैराडॉक्सिकल। आर ग्लास डिफॉर्मिटी कहाँ मिलेगी, लियोमायोमा। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हर्निया टू स्ट्रैंगुलेट इज फीमोरल हर्निया। फीमोरल हर्निया मेल या फीमेल में किसमें ज्यादा कॉमन होता है, तो फीमेल में। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन मिकल डायवर्टिकुलम इज अडल्ट इज इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। मोस्ट कॉमन लेट कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रोमैटिक रप्चर ऑफ यूरेथ्रा इज स्ट्रिक्चर बन जाता है। प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा मेटास्टाइज मोस्ट फ्रीक्वेंटली टू पेल्विस। ट्यूमर मार्कर एसोसिएटेड विद कैंसर प्रोस्टेट इज PSA दैट इज प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन या और दूसरा क्या है, एसिड फॉस्फेटेज, एसिड फॉस्फेटेज। साइन कहाँ मिलता है, गॉल स्टोन में। और इसमें क्या होता है, स्टोन के अंदर क्या होता है, फिशर क्या होता है, एयर कलेक्ट हो जाती है ना। उसके बाद पुअरेस्ट प्रोग्नोसिस लंग कैंसर में कहाँ मिलती है, स्मॉल सेल कैंसर में। रोल्ड आउट पर्ली वाइट एजेस ऑफ द अल्सर इन रोडेंट अल्सर। एपिड्यूरल हेमाटोमा इज ड्यू टू द रप्चर ऑफ MMA दैट इज मिडिल मेलेंजियल आर्टरी। बहुत बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, एपिड्यूरल हेमाटोमा में मिडिल मेलेंजियल आर्टरी जाती है जबकि सबड्यूरल हेमाटोमा में जाती है ब्रिजिंग वेन, टॉन ब्रिजिंग वेन। बार बार पूछा गया बेटा, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ये फेवरेट है समझ लो ये दोनों क्वेश्चन। मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन बर्न स्यूडोमोनास। क्लेफ्ट लिप ऑपरेशन 3 to 6 months पे कर देना है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ बेसल सेल कार्सिनोमा इनर कैंसर ऑफ द आई होता है। मोस्ट कॉमन रूट ऑफ स्प्रेड ऑफ मेलानोमा इज लिम्फेटिक स्प्रेड। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर जो होती है तो अपर आउटर क्वाड्रेंट होती है। इडियोपैथिक गैंग्रीन ऑफ स्क्रॉटम को क्या बोलते हैं, फॉर्नस गैंग्रीन। मोस्ट कॉमन मीडियास्टाइनल ट्यूमर इज थायमोमा, बार बार पूछा गया है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हाइपोस्पेडियासिस इज ग्लैंडुलर। ठीक है, ये बार बार पूछा गया है आपके IPGT में। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन अगर बच्चे में हो रहा है लेस देन 2 ईयर एज में तो क्या होगा, इंटोसिसेप्शन हो रहा है। पेंसन क्राइटेरिया हम लोग को पढ़ लेना है। हिमोरेजिक पेनकेटाइटिस हो रहा है, ब्लीज डिस्कलेशन फ्लैंक में हो रहा है तो ग्रेट अंडर साइन, जबकि यही ब्लू डिस्कलेशन का हो रहा है पैरी एम्ब्लाइकल एरिया में हो रहा है तो कुलन साइन हो गया। ठीक है, अच्छा दो चीज होती हैं, PJR और PVT। PVT किसमें मिलता है, पेन वॉमिटिंग टेम्परेचर अपेंडिसाइटिस। ठीक है, और PJR किसमें मिलता है, PVT दैट इज एक्यूट, हाँ एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस। तो PVR PVT जिन लोगों को नहीं पता है वो ध्यान दें, दैट इज PJR पेन जॉइंटिस और राइगर। ठीक है, पेन वॉमिटिंग टेम्परेचर अपेंडिसाइटिस। ठीक है, उसके बाद मोस्ट कॉमन देखो उसको बोलते हैं मोस्ट कॉमन बेनाइन ट्यूमर ऑफ लिवर इज हेमेंजियोमा। ठीक है, उसके बाद मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हर्निया इन मेल एंड फीमेल अगर दोनों में पूछा जाएगा तो इंटेस्टाइनल बोला इनडायरेक्ट इंग्यूनल हर्निया। ठीक है, रेड कलर जेली स्टूल इज सीन इन इंटरसेप्शन होता है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कोलन कैंसर इज सिग्मोइड कोलन।
अर्लीस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ रेक्टल कार्सिनोमा ब्लीडिंग होता है. फ्लूइड ऑफ चॉइस बर्न पेशेंट में रिंगल लैक्टेट होता है. मोस्ट कॉमन ब्रैंकियल सिस्ट जो होती है अपर वन थर्ड ऑफ द स्टर्नोक्लीडोमस्टॉइड होता है. ठीक है, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ रोडेंट अल्सर फेस पे होता है. फेस में भी कहाँ पे होता है, जो माउथ के अराउंड आप लाइन देखो और क्या होता है, ईयर लोब्यूल के नीचे. ठीक है, मोस्ट कॉमन प्री मेलिग्नेंट कंडीशन ऑफ ओरल कैविटी कार्सिनोमा इज ल्यूकोप्लेकिया. केयर साइन कहाँ मिलता है, स्प्लीनिक इंजरी में. कहाँ पेन होता है, स्प्लीन लेफ्ट साइडेड है तो लेफ्ट साइडेड रिफर्ड पेन होगा लेफ्ट शोल्डर में. ठीक है, और इनलार्ज लिम्फ नोड होता है हॉजकिन लिम्फोमा. कहाँ की, सर्वाइकल लिम्फ नोड इनलार्ज होती है मोस्ट कॉमनली. वेरिकोज वेन मोस्ट कॉमनली कहाँ सीन मिलती है, लॉन्ग सेप्टस वेन में. हेलर्स ऑपरेशन एक्लेशिया कार्डिया. ठीक है, एक्लेशिया कार्डिया. ईसोफेजियल मोर्टेलिटी डिसऑर्डर इज असिस्ट बाय मैनोमेट्री जो होती है, सबसे पहले मैनोमेट्री कराते हैं. उसके बाद मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इट्रोजेनिक ईसोफेजियल परफोरेशन इज किलियंस ट्रायंगल. उसके बाद मोस्ट पेन ऑफ एक्सटर्नल हेमराइड इज मेडिएटेड बाय पुडेंडल नर्व. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पुडेंडल नर्व सबको पता भी होगा. मोस्ट कॉमन ट्यूमर मेटास्टाइजिंग टू द ब्रेन इज लंग. मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ डक्ट पैपिलोमा ऑफ द ब्रेस्ट इज ब्लडी डिस्चार्ज फ्रॉम द निपल. कॉन्ट्रालेटरल बेस्ट मेटास्टेसिस इज लोबुलर कार्सिनोमा. मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर मेटास्टेसिस इज बोन. और कहाँ की, वर्टिब्री की. वर्टिब्री में भी लंबर. मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेलाइटिस स्ट्रेप्टोकोकस. मेरिजी सिंड्रोम में क्या होता है, गॉल ब्लैडर में क्या होता है, स्टोन होता है जो कि कहाँ फंस जाता है, कॉमन बाइल डक्ट में वो कंप्रेस करता है और या किसको करता है, कॉमन हेपेटिक डक्ट को, जिसकी वजह से जॉइंटिस होता है. इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो होता है रिनल स्टोन का, वो प्लेन एक्सरे केयू भी होता है. इन्वेस्टिगेशन चॉइस यूरेट्रिक स्टोन का एनसीसीटी कराते हैं. बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर रिनल कैल्कुलाई इज एनसीसीटी. और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस चिल्ड्रन में यूएसजी होता है, केयूबी रीजन का. उसके बाद रेडियो लूसेंट जो होता है वो होता है यूरिक एसिड स्टोन. मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ग्लोमस ट्यूमर इज फिंगर टिप्स होता है. मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया जो होता है ओरल कैंसर, उसमें भी मोस्ट कॉमन साइट पूछी जाती है तो बक्कल म्यूकोसा हो जाती है. मोस्ट कॉमन डेवलपमेंटल एनोमली ऑफ फेस जो होती है क्लेफ्ट लिप होती है. स्पाइडर लेग अपीयरेंस कहाँ मिलता है, इंट्रावीनस पाइलोग्राफी में मिलता है तो पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज होती है. सोर्स ऑफ ब्लीडिंग इन ड्यूडनल अल्सर इज गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी. बार बार पूछा गया. मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट पैनक्रीटिस होगा तो गॉलस्टोन की वजह से, क्रोनिक होगा तो अल्कोहल की वजह से. ठीक है, मोस्ट कॉमन रप्चर इन द ब्लंट इंजरी इन एब्डोमेन स्प्लीन हो जाता है. कम्युनिकेटिंग बिटवीन द टू एपिथेलियल सरफेसेस नोन एज फिस्टुला. मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अपर जीआईटी ब्लीडिंग इज पेप्टिक अल्सर डिजीज. ठीक है, और लोअर ब्लीडिंग क्या क्या है, सो गए सब? नो सर, नो सर. इसमें भी कॉमन सेंस लगा लो, इसमें तो बहुत ज्यादा कॉमन सेंस लग जाएगा. लोअर जीआई ब्लीडिंग का क्या कॉज होगा, हेमोरॉइड्स. इतना क्या सोचना उसमें. लिनाइटिस प्लास्टिका स्टमक कैंसर. ठीक है, इज अ टाइप ऑफ स्टमक कैंसर. कॉर्क स्क्रू इसोफेगस इज सीन इन डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज्म. ठीक है, डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज्म. फ्लोर ऑफ माउथ दैट रिजेंबल द फ्रॉग बेली. सिस्टिक स्वेलिंग इन द फ्लोर ऑफ माउथ दैट रिजेंबल द फ्रॉग बेली इज रेनुला. मोस्ट कॉमन साइट ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर इज लेसर कर्वेचर अलोंग द इनसिस्यूरा एंगुलरिस. ठीक है, उसके बाद मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कार्सिनोमा स्टमक इज एंट्रम. डेथ होती है बर्न में, अर्ली डेथ हो जाती है तो शॉक की वजह से, लेट डेथ होती है तो सेप्सिस की वजह से. मोस्ट कॉमन वेन टू गेट थ्रोम्बोसिस इज पोस्टीरियर टीबियल वेन. परसेंटेज ऑफ बर्न इन चिल्ड्रन किससे निकालेंगे, लुंड एंड ब्राउडर चार्ट से. ठीक है, इन्फेक्शन ऑफ सब मैंडिबुलर स्पेस इज नोन एज लुडविग एंजाइना. ठीक है, मैकबर्नीज पॉइंट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड एम्बिलिकस मीडियल 2/3 और लेटरल 1/3 होती है. मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर इज नॉन यूनियन. ठीक है, सीएसएफ रायनोरिया क्रिबीफॉर्म पैलेट. उसके बाद प्लेट, उसके बाद 45 ईयर फीमेल आ रही है. वुमेन प्रेजेंट विद हार्ड मोबाइल लंप हो रहा है तो मैमोग्राफी करा दोगे. सिक्विस्ट्रम जो होती है डेड बोन को बोलते हैं. ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है. Most position of appendices, cervical, bird beak appearance, ecclesia cardia, thumbprint sign, ischemic colitis, red tail appearance, ecclesia cardia, flower-based appearance of ureter जो होता है, horseshoe kidney मिलता है, most common soft tissue tumor,
लाइपोमा एडल्ट में होता है. टेस्टिकुलर ट्यूमर विद बेस्ट प्रोग्नोसिस इज यॉर्क सैक ट्यूमर, वर्स्ट प्रोग्नोसिस इज हरिकेन ट्यूमर. ये इज द टाइप ऑफ कोरियोकार्सिनोमा. ठीक है, एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेना आप लोग. ठीक है, इस तरह की क्लासेस ठीक है ना? ठीक है, तो प्रीवियस वाली क्लास मैंने अपलोड कर दी है, देखनी हो देख लेना, मैं उसका नोट्स भेज दूंगा. ठीक है, उसके लिए परेशान मत हो. ठीक है, अपना पढ़ते रहो, मैं उसको भेज दूंगा. ठीक है, इसको भी मैं भेज दूंगा.